तमकुही राज में भाजपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार राय ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है और शहीदों का सम्मान है। इस दौरान बीडीओ अनिल कुमार राय, विकास खंड के सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, सचिव व सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यूपी न्यूज 21 के दिन तमकुही राज विकास खंड में उपस्थित है और आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता देवरिया और कुशीनगर के कद्दावर नेता विजय राय जी उपस्थित हैं। मैं ये बात इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि पार्टी की तरफ से जब भी इनको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन बिल्कुल सही पूर्वक करते हैं। अगर पंचायती राज में जो प्रमुख की जिम्मेदारी थी, जिसमें इनको चार ब्लॉक की जिम्मेदारी मिली थी, तीन ब्लॉक निर्विरोध करवाए और चौथे विकास खंड में भी भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई, तो कहीं ना कहीं ये कद्दावर नेता है और इससे इनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। और लोकप्रियता की बात अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो बच्चा बच्चा भी विजय राय जी को भाजपा नेता के नाम से जानता है और अच्छे भाव में जानता है। लेकिन आज जो थी मेरा माटी मेरा देश के तहत एक कार्यक्रम विकास खंड में आयोजित किया गया था और तमाम लोग आए और पहली बार इस सरकार में हो रहा है कि अगर आपके गांव के अगर कोई वीर शहीद हुए है तो दिल्ली में स्मारक आपके गांव की मिट्टी से बनेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूपी न्यूज 21। धन्यवाद जी। और सर एक आपको कद्दावर नेता के नाम से जाना जाता है, दो जिले में देवरिया और कुशीनगर की बात किया जाए और तो आप एक कद्दावर नेता है और निश्चित रूप से जहां भी आपका प्रभाव जाता है वहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत। तो पार्टी से पहले क्या उम्मीद है उसके बाद इसे? एक पार्टी के कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी जी। और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो मिलता है बड़ी निष्ठा के नाम, तब भी अगर बड़ा है तो भाजपा के नाते बड़ा है, आगे भी बढ़ेगा तो भाजपा के नाते ही बढ़ेगा जी। और जो भी निष्ठा से काम करेगा इस भारतीय जनता पार्टी में वो एक कद्दावर नेता। तो विजय राजी जब सुबह निकलते हैं तो क्या उनको ये लगता है कि मेरे जैसा ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिले जो मेरे जैसा निष्ठावान हो, ऐसा सोच रहती है? नहीं नहीं, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे कद से बड़ा है। अगर वो हम सोच लें कि हम बड़े हैं तो मुझे लगता है हम पार्टी का काम नहीं करते। एक एक जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का वो भी हम, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं अगर हमारा बूथ सशक्त है तो देश हमारा पार्टी भी सरकार भी। और मेरा माटी मेरा देश के बारे में क्या कुछ कहेंगे सर, जो आज शहीदों का उनके गांव से ही मिट्टी जा रहा है और उसी से उनका स्मारक बनना है? देखिए मेरा माटी मेरा देश, ये जो हमारा 15 अगस्त जीता है जी, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 9 अगस्त को किया और 9 अगस्त को किया था 30 अगस्त की इसकी समाप्ति थी दिल्ली में, लेकिन कारणों से हमारा समय बढ़ा और अब जाके हमारा दिल्ली में जाके समाप्ति हो। ठीक है, इस साल के पहले वाले साल में जो हमारा 15 अगस्त है हमारे अमृत काल में, यानी 75 वर्ष बीत गए थे हमारे आजादी, उसमें हर घर तिरंगा योजना जो है लागू किया था माननीय प्रधानमंत्री, देश का मुझे लगता है कि हर नागरिक उस अभियान में हिस्सा लिया था और उसको हिस्सा बनाया था अपने जीवन का, अपने देश का, अपने कार्य के लिए। इस बार जो है हमारा 9 अगस्त 15 अगस्त के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम लॉन्च किया मेरा माटी मेरा देश अमृत काल में, यानी कि हर गाँव की मिट्टी आएगी और देश में दिल्ली में जो हमारा अमृत काल बनेगा ताकि गांव का हर नागरिक, हर महिला, हर बच्चा, हर बूढ़ा अपने गांव की मिट्टी से देश के हमारे गांव की मिट्टी से पड़ी है और शहीदों के नाम पे हमारा अमृत कलश जा रहा है। पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि गांव की मिट्टी से जोड़ा गया, यानी कि इस योजना के पीछे यही है कि हर आदमी के अंदर जो है राष्ट्रभाव पैदा हो, हम अपने देश को याद करें, इसके बोलते किसने आज़ादी दिलाई इस बार भारत में। तो मतलब निश्चित रूप से आपके मतलब उन वीर शहीदों के गांव से ही मिट्टी जाएगा, उसी से उनका स्मारक बनेगा। तो तमाम कार्यकर्ताओं को आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि सर आपके ऊपर जिम्मेवारी हमेशा भरी रहती है और 2024 भी नजदीक है, तो कुछ जनता ये भी देख रही है कि शायद सर को भी हम लोग डायरेक्ट वोट करने का मौका मिले, जनता ऐसा चाह रही है, लेकिन विजय राय जी का क्या रहा है? चलिए वो पार्टी पे डिपेंड करता है, पार्टी किसको अपना चुनाव क्षेत्र में डालती है, लेकिन मैं बूथ स्तर के हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई 2014 से लेकर के आने वाले 2024 भी उसमें इंक्लूड है और पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 400 सीटें इस देश में प्राप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये मैं कहता हूँ कार्यकर्ताओं के बूते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान भी चल रहा है, हमारा सशक्त बूथ बनाया जाए और हर बूथों पर हमारी मीटिंग भी चल रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमारा हर कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है और देश के लिए भी इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी 24 घंटे काम करते हैं, तो हर आदमी सक्रिय है, हमारा कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी नेता सोता नहीं है, सोने वाले अपने घर में बैठे हुए हैं
और जगने वाले देश की राजनीति को संभाल रहे हैं, देश को भी संभाल रहे हैं और कार्यकर्ता भी हमारे। और एक लोगों ने ये भी कहा कि जब आप विजयराज जी से इंटरव्यू लीजिएगा तो एक क्वेश्चन जरूर लीजिएगा, आप लोगों ने लव जिहाद पर कानून, सख्त कानून लाकर लव जिहाद को बंद किया सर, और लेकिन आज भी कुछ ऐसे मनचले लोग हैं जो नाम बदलकर गुड्डू राजन ऐसे कॉमन नाम रखकर हिंदू लड़कियों को शिकार करते, क्या उन पे भी प्रतिबंध आने वाले समय में लगेगा क्या? देखिए प्रतिबंध तो लगा हुआ है और ऐसे लोग समाज के लिए घातक तो हैं, देश के लिए पहले घातक, तो देश के लिए पहले घातक, तो इनका पहचान हो रही है इस देश की और मुझे लगता है कि एक दिन बहुत कठोर कानून इस देश में बनेगा। और मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अगर देश में भारत में रहना है तो भारत की बात करनी पड़ेगी, भारत के कानून के दायरे में ही आपको काम करना पड़ेगा और कानून के दायरे से आप बाहर जाएंगे तो हर सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, तो इसके लिए इन लोगों को तैयार रहना चाहिए। और देश में तो आपने बताया कि 400 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रही है, लेकिन यूपी का क्या आंकड़ा रहेगा, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि 80-80 हम गिफ्ट करेंगे और सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, जब तक कदावर नेता नहीं चाहेंगे, कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे, यह फतह नहीं हो पाएगा 80-80। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वचन दिया है कि हम सभी सीटों को जीतेंगे, जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनके बूथ पे उन्होंने बोला है और उनके सम्मान में उनके बोली गई बात में वो अपना खून भी बहा करके भारतीय जनता पार्टी की सर्विस। और तमाम दो जिले के कार्यकर्ताओं से विजय राय जी का क्या मतलब आग्रह रहेगा, क्या निर्देश है? 2024 जिंदाबाद। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और उन तमाम सवालों का जवाब दिए। निश्चित रूप से जनता भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि विजय राय जी 2024 में एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे, क्योंकि दो जगह के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है और कार्यकर्ता खुद इस बात को मानते हैं कि जब भी हम विजय राय जी के पास जाते हैं तो हम लोग की समस्याओं का समाधान आसानी पूर्वक हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए UP News 21। तमको ही राज, जय हिंद। आप देख रहे हैं UP News 21 रवि गुप्ता के साथ।